तो मैंने आज तक जितने भी थंबनेल क्रिएट करे हैं यूट्यूब के ऊपर इस चैनल के लिए 100+ वीडियोज़ हैं, उनमें से 80% थंबनेल जिस तरीके से मैंने क्रिएट करे वो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो कुछ मेरे जैसा थंबनेल या जैसा आप चाहते हो उस तरीके का थंबनेल आपको मिल जाए तो वो तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है आई होप ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। थंबनेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका थंबनेल है। आपको थंबनेल पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं भी थंबनेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कम से कम 1 से 2 घंटा आराम से थंबनेल क्रिएट करने पे लग जाता है मेरा। वीडियो बनाने में जितना फोकस करता हूँ उतना ही ध्यान अपना थंबनेल पर भी देता हूँ। आपको भी ये सेम चीज़ करनी चाहिए। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको थंबनेल पर फोकस करना चाहिए ताकि आपको CTR हाई मिले, क्लिक थ्रू रेट आपका ज़्यादा आए, थंबनेल और एक टाइटल दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखने वाले को पहले दिखती है आपकी वीडियो पर क्लिक करने से पहले। ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो आपकी वीडियो पर ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, ज़्यादा क्लिक्स मतलब ज़्यादा व्यूज़ मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, लाइक्स और ये सब चीज़ें। तो वीडियो का थंबनेल कैसे क्रिएट करना है अच्छे तरीके से वो आपको इस वीडियो पता लगने वाले। वीडियो पसंद आएगी देखने के बाद तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आप लोग इस तरीके को यूज़ करना चाहते हो फर्क नहीं पड़ता आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस है या फिर एक iOS डिवाइस है मतलब आईफोन है, आप लोग थंबनेल क्रिएट कर सकते हो एक एप्लीकेशन की ऐप से। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता था और कभी कभार अब भी करता हूँ। अब फिलहाल मैं फोटोशॉप में शिफ्ट हो चुका हूँ लेकिन आप स्टार्टिंग इससे कर सकते हो। ये कौन सा है इसका नाम है, पहले ऐप स्टोर पर चलते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा iOS के लिए भी और एंड्रॉइड के लिए भी। आपको डाउनलोड करना है कैनवा। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है कैसे आप लोग अपने PC अपने लैपटॉप की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो कैनवा के थ्रू। आज बात कर रहे हैं कैसे आपको स्मार्टफोन की हेल्प से करना है ये चीज़। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, लॉगिन भी कर लिया। इसके बाद सबसे पहली चीज़ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद शायद आपको यहाँ पर YouTube थंबनेल नज़र आ जाएगा जैसे यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट देखने को मिलेंगे सी ऑल पर अगर आप क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखता है तो बैक करके प्लस का साइन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। एंड्रॉइड के लिए भी सब सेम होगा, यहाँ पर सर्च कर सकते हो YouTube थंबनेल आपको मिल जाएगा YouTube थंबनेल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कैनवास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्पलेट्स पूछ रहा है, अगर मैं कुछ टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहता हूँ टेम्पलेट्स क्या होते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर मुझको चाहिए कि मुझे एक ऐसा कुछ डिज़ाइन चाहिए, बाकी इसमें मैं अपने जो चेंजेस मुझे करना है, कलर चेंज करना है, कुछ और एलिमेंट ऐड करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, वो सब चीज़ें कर लूँगा, बस आप मुझको एक डिज़ाइन दे दो। तो वहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए मुझे, म्यूज़िक के लिए चाहिए, फूड के चैनल है अगर मेरा फूड का टाइप का थंबनेल बनाया तो उसके लिए चाहिए, ब्यूटी ट्यूटोरियल कुछ भी ऐसा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अभी पहले हम टेम्पलेट से करते हैं फिर एक स्क्रैच से बनाएंगे। स्क्रैच से कैसे बनाता हूँ मैं वो भी सिखाऊंगा। सबसे पहले टेम्पलेट पे थोड़ा एडिट करते हैं, सफारी वाले बेसिक टेम्पलेट इसको चूज़ कर लिया मैंने। अब सबसे पहले चीज़ मैं इसमें टेक्स्ट चेंज करूँगा, इस पर क्लिक किया मैंने, एडिट पे क्लिक करता हूँ, उसको हटाऊंगा और इस पर ऐड करता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले शिमला गया था, शिमला लिख देते हैं इसी फिलहाल। डन। अब इसके बाद मैं कुछ और चीज़ मैं फोटो भी चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रिप्लेस फोटो सेलेक्ट किया मैंने, रिप्लेस पर क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर फोटोज़ का ऑप्शन है। मुझे खुद से फोटो अपलोड नहीं करनी फिलहाल, मैं इन्हीं के स्टॉक जो भी फुटेज है इनके पास उसमें से उठाऊंगा, फ्री है जो, फोटोज़ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं शिमला देखते हैं, शिमला की शायद फ़ोटो होगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये शिमला की फ़ोटो है, तो ये फोटो मुझे शिमला की फ़ोटो भी मिल गई है। अब अगर मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, शिमला व्लॉग भी लिख देता हूँ, एक और चीज़ कर देता हूँ। प्लस के साइन पर क्लिक किया, टेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर लिख दूँगा ब्लॉग डन। इसको उठा के थोड़ा नीचे रख दूंगा शिमला ब्लॉग, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं कौन से कलर का, इसको येलो रखते हैं। तो एक और चीज़ करना मुझे बहुत सही लगता है वो है इटैलिक, कमेंट के अंदर गए इटैलिक कर दिया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का टेम्पलेट में थोड़े से चेंजेस करके आप चीज़ें कर सकते हो, कुछ और एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो। ये हमारा पहला तरीका हो गया जो आसान है, जो हर कोई मिनटों में क्रिएट कर सकता है जिसकी ऐप से थंबनेल। अब दूसरे तरीके की तरफ आते हैं जहाँ पर आप पूरे स्क्रैच से जीरो से एक थंबनेल क्रिएट करोगे और फिर उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं होम पेज पे चलता हूँ अपने, वापस से यहाँ पर आप सर्च करके कर सकते हो। मैं यहाँ फिलहाल होम पेज पे गया और यहाँ पर नीचे जाके सी ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर ब्लैंक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने। अब पूरा एक वाइट ब्लैंक कैनवास मिलेगा हम पे हमको, अब मुझे टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करने फिलहाल, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैंक कैनवास है। अब प्लस के साइन पे जाऊंगा मैं अपलोड, यहाँ पर मैंने अपलोड मीडिया पे क्लिक किया, अपलोड मीडिया पर क्लिक करने का फोटो लाइब्रेरी के अंदर गया मैंने। अब यहाँ पर मेरी फोटो अपलोड हो रही है, चाहो तो आप वीडियो अपलोड करो, ऑडियो अपलोड करो, आप वो चीज़ भी कर सकते हो, उसमें वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने फोटो अपलोड हो चुकी है, इस पर क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पर फिट करूंगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करूंगा। प्लस के साइन पर क्लिक किया मैंने, टेक्स्ट पे गया, टेक्स्ट पे जाने के बाद ऐड अ हेडिंग सेलेक्ट की मैंने और इस पर मैं
एडिट करूंगा, अपना टेक्स्ट ऐड करूंगा। अभी के लिए सिर्फ मैं एक यूट्यूब थंबनेल लिख रहा हूँ, बाद में हो सकता है मैं चेंज कर दूँ इसे, मेक यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट चीज़ क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर बाद में फॉर्मेट में अंदर जाके इटैलिक कर दूंगा इसे, और उसके अलावा मैं इसका फॉन्ट भी चेंज करूंगा। फॉन्ट के अंदर जो मैं फॉन्ट यूज़ करता हूँ वही फॉन्ट यूज़ करूंगा मैं इस बार भी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि हमेशा अपना एक फॉन्ट देखो और उसी को यूज़ करो अपने हर थंबनेल के अंदर, एक ही टाइप का डिज़ाइन यूज़ करो, ज़्यादा डिज़ाइन में चेंज मत करना, कलर्स में ज़्यादा चेंज मत करना, हर थंबनेल के अंदर अलग कलर चूज़ मत करना, अलग कलर यूज़ मत करना, एक ही कलर यूज़ करना, ताकि आपको देखने वाले को पता चले कि हाँ थंबनेल कैसा है, और उससे एक अच्छी दिमाग में लोगों के दिमाग में बनती है, इमेज बनती है, और थंबनेल का पता चल जाएगा, आपकी एक ब्रांडिंग अच्छी होती है उससे, ठीक है। अब मैंने अपना फॉन्ट चूज़ कर लिया, मैं एक ही फॉन्ट यूज़ करता हूँ अपने हर थंबनेल के अंदर। अब इसको नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, इसको बोल्ड भी करना है अपने को, फॉर्मेट के अंदर आके बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि इसके पीछे मैं हमेशा एक चीज़ ऐड करता हूँ, एक एलिमेंट ऐड करता हूँ प्लेन ब्लैक कलर का। अब वो मुझे कैसे मिलेगा, यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक किया, एलिमेंट्स के अंदर गया, एलिमेंट्स के अंदर सर्च कर, सर्च तो नहीं यहीं पर शो हो रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको इस पॉइंट पर लगा दूँगा, ठीक है। कलर मैं हमेशा ब्लैक रखता हूँ, तो आप अपने हिसाब से करना, यहाँ पे हो चुका है ये। अब यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया जो मुझे ऐड करना था। इसके बाद जो दूसरी चीज़ में सबसे ज़्यादा करना पसंद है वो एक ब्लैक कलर का बॉर्डर ऐड करना अपने पूरे थंबनेल के ऊपर। उसको मैं प्लस के साइन के अंदर एलिमेंट्स के अंदर जाके वहीं शेप के अंदर जाके यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, इसको ऐड करता हूँ हमेशा। अगर आप मेरे देखोगे ज़्यादातर थंबनेल, मतलब 90% थंबनेल में ये हमेशा रहता है कलर, मैं इसको हमेशा ब्लैक चूज़ करता हूँ, तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पर, वो है यूट्यूब का साइन, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, यूट्यूब से रिलेटेड है, तो मैं यूट्यूब का साइन भी ऐड करूँगा। एलिमेंट्स के अंदर गया, फिर से यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा एक बार यूट्यूब, आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हो, ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे PNG। उस पर उसके बाद मैं इसमें से एक चीज़ ज़्यादा चूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा करूँगा, जूम इन करके इसके थोड़ा सा ऊपर लगा दूँगा। अब यहाँ पर चाहो तो कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो आप लोग, जैसे मैं इस जो एलिमेंट मैंने YouTube का जो लोगो ऐड किया, इसके पीछे मैं शेडो भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ अलग अलग इसमें इफेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो iOS से नहीं हो रहे। जब मैं एंड्रॉइड से क्रिएट करता हूँ तो उससे हो जाते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस हो सकते हैं, लेकिन आईफोन से नहीं हो रहे, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, मैंने देखा पर आ नहीं रहा। अब बाकी आप इसकी ट्रांसपेरेंसी ये सब चीज़ें रिमूव कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, चाहो तो मैं इसका ब्लैक कर सकता हूँ, जैसे इसका मैं ब्लैक कर सकता हूँ, ऐसा कुछ आप जो चीज़ें करना चाहते हो कर सकते हो, और एलिमेंट ऐड कर सकते हो प्लस का। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ, और बाकी देखा जाए तो मेरा यहाँ पर पूरा थंबनेल तैयार हो चुका है। मैं कुछ ऐसे ही थंबनेल डालता हूँ यूट्यूब पर, अगर आप लोग मेरे थंबनेल देखो, कुछ सिंपल बेसिक थंबनेल होते हैं और सेम कलर सेम टाइप के एलिमेंट्स यूज़ करता हूँ मैं अपने हर थंबनेल के। तो आप भी कुछ ऐसा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो कैनवा की हेल्प से। हमने दो थंबनेल क्रिएट करें, सबसे पहला थंबनेल शिमला व्लॉग, जो हमने एक टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट करा है, थोड़े से चेंजेस करा उसको यूज़ करा है फिर, और दूसरा हमने स्क्रैच से बिल्ड करा है, वो है ये वाला थंबनेल, ये वाला थंबनेल हमने पूरा स्क्रैच से बनाया। आप भी ऐसा बना सकते हो, फोटो खींचो, अपलोड करो, एलिमेंट्स ऐड करो, टेक्स्ट ऐड करो, और उसके बाद थंबनेल आपका रेडी है यूट्यूब के लिए। तो गाइस ये था हमारा एक ईजी तरीका यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करने का, जिसको मैंने यूज़ किया आज तक, बहुत बार यूज़ करा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और साथ ही कैनवा का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड्रॉइड के लिए भी और iOS के लिए भी, और चाहो तो आप अपने कंप्यूटर से भी जा सकते हो canva.com के ऊपर, वहाँ से भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही इंस्टाग्राम में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ पर आपको मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।